द्वारका एक्सप्रेसवे पिछले 10 सालों से बनने की कोशिश में है, लेकिन कुछ ना कुछ अड़चनें आ जाती हैं। रामेश, आपने द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में हुडा एडमिनिस्ट्रेटर से डिटेल में बातचीत की थी, क्या थी वो बातचीत? देखिएगा, मैंने हुडा एडमिनिस्ट्रेटर मिस्टर यशपाल यादव से द्वारका एक्सप्रेसवे को लेकर डिटेल में बात की और वहां से जानने की कोशिश की कि किन लोगों को द्वारका एक्सप्रेसवे के बीच में जिनकी जमीन आ रही है, किन लोगों को मुआवजा मिलेगा और किन लोगों को मुआवजा नहीं मिलेगा। आइए दिखाता हूँ आपको। द्वारका एक्सप्रेसवे 10 साल हो गए इसे बनते हुए, लेकिन अभी तक ये बनकर तैयार नहीं हो पाया, कई मुश्किलों का सामना इसे करना पड़ रहा है। इसी सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त हुडा एडमिनिस्ट्रेटर मिस्टर यशपाल यादव हमारे साथ हैं। सर, थैंक यू वेरी मच हमें अपना कीमती समय देने के लिए। सर, पहला सवाल मेरा, क्या समस्या आ रही है सर द्वारका एक्सप्रेसवे बनने में? बहुत सारे लैंड ओनर्स ने लैंड एक्विजिशन को चैलेंज किया, बहुत सारे कोर्ट केसेस हुए जिसमें काफ़ी लंबे समय तक स्टे ऑपरेशन में रहा, जिसकी वजह से पोजीशन नहीं लिया जा सका। अल्टीमेटली जब एक वक्त ये लगने लगा कि केसेस ख़त्म हो रहे हैं, तो उस वक्त एक नया इशू ये आ गया कि जिन लोगों ने घर बना लिए थे और जो इस ज़मीन के अंदर आ रहे थे, उनका क्या किया जाए। लिटिगेशन के बाद में मई 2015 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने उनको एक स्पेशल पैकेज दिया और उस स्पेशल पैकेज के तहत माननीय उच्च न्यायालय ने केस का फैसला कर दिया। उसको डिसाइड करने के लिए और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए माननीय न्यायालय ने कुछ निर्देश दिए, जिसके तहत कार्रवाई समय समय पर की जाती रही। जितने भी मकान मालिक थे जिनकी रजिस्ट्री थी जिनके पास में, उन सब लोगों के क्लेम सेटल कर दिए गए हैं, उनको अलॉटमेंट लेटर्स अल्टरनेट प्लॉट्स के लिए जारी कर दिए गए हैं और उनको हम 1 अप्रैल को फिजिकल पोजीशन, जिस जगह पर प्लॉट्स उनको दे रहे हैं फिजिकल पोजीशन देने जा रहे हैं। उसके बाद में 6 महीने का टाइम कोर्ट के निर्देश से हमें उन्हें देना है, जिसमें वो अपने मकान बनाएंगे ताकि वो रिहेबिलिटेट प्रॉपरली हो सकें। सर, अगर GPSPA की बात करें जिनके पास पावर ऑफ अटॉर्नी थी, उन लोगों का क्या होगा जिनके वहाँ पर प्लॉट्स थे? सरकार के पास में हमने एक रिक्वेस्ट भेजी है कि GPSPA होल्डर्स को प्लॉट देने के इशू के ऊपर एक फाइनल निर्णय ले लिया जाए, ताकि इस मामले को हम यहाँ पर ख़त्म कर सकें। मामला उनके पास में लंबित है और मुझे उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक इस पर कोई निर्णय होकर वापस आ पाएगा। सर, एक सवाल इंपॉर्टेंट ये भी मेरे दिमाग में आ रहा था कि जिन लोगों की रजिस्ट्री ऑलरेडी थी और उनके प्लॉट्स हैं वहाँ पर, तो क्या उनको ऑल्टरनेटिव प्लॉट्स कहीं और दिए जा रहे हैं? जिन लोगों की रजिस्ट्री थी और जो खाली प्लॉट हैं, वो हमारी R&R पॉलिसी 2010 है जो उनको एलिजिबल नहीं बनाती है। R&R पॉलिसी 2010 के अनुसार सिर्फ उन लोगों को अल्टरनेट प्लॉट दिए जा सकते हैं जिनके सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंशियल हाउसेज हैं। सर, जो लोग फ्लैट्स में रह रहे हैं जिनकी सोसाइटीज़ बन चुकी हैं, उनकी कनेक्टिविटी की समस्या बहुत देखने को मिल रही है, क्योंकि वो कयास लगा रहे थे कि जब एक्सप्रेसवे बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये एक एक्सप्रेसवे गेम चेंजर माना जा रहा था। तो अब जो वो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, जो सोसाइटी ओनर्स जो लोग वहाँ रह रहे हैं, उनको ये भी दिक्कत आ रही है कि वहाँ पे पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, तो उनका क्या सोल्यूशन है सर? कुछ एरिया ऐसा था जो हमें ग्रीन बेल्ट के तौर पर लेना था और उसका नोटिफिकेशन लैप्स कर दिया गया था, क्योंकि काफ़ी एरिया हम ऑलरेडी एक्वायर कर चुके थे। उसकी वजह से कुछ पैचेज ऐसे रह गए थे जो कि मास्टर रोड्स को NPR से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए गवर्नमेंट हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने रिसेंटली एक पॉलिसी बनाई है, जिसके तहत अगर कोई पैच बीच में अनएक्वायर्ड बच गया है, तो जिस रेट पर बाकी लोगों की ज़मीन हमने खरीदी या एक्वायर की है, उसी रेट पे इन मालिकों को भी पेमेंट कर दी जाए और ये टुकड़े उनसे ले लिए जाएं। सर, एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि द्वारका एक्सप्रेसवे का काम कब तक कंप्लीट होने की उम्मीद है? एटलीस्ट हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि अगले 3 महीने के अंदर हरियाणा एरिया के अंदर जो पूरा NPR है, उस पर लोग बेरोक आ जा सकें, इस बात की हम कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। तो ये थे यशपाल यादव जी, जो बता रहे थे कि एक्सप्रेसवे का काम इस साल के अंत तक होने की उम्मीद जताई जा रही है, जो कि पिछले 10 साल से अटका हुआ था। अब देखना यह है कि ये काम एक्सप्रेसवे का कितना जल्दी पूरा होता है। कैमरामैन गोपाल के साथ रामेश नकवी, जी मीडिया, गुरुग्राम। रामेश, हमारी अगली खबर क्या है? अगली खबर दीपिका बहुत इंटरेस्टिंग खबर है, जहां एक तरफ रियल एस्टेट मार्केट में मंदी के बादल छाए हुए हैं, और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि जहां एक तरफ बिल्डर्स की लेट लतीफी के चक्कर में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में देरी हो रही है, वहीं रियल एस्टेट सेक्टर का एक सब सेक्टर ऐसा है जो तेजी से ग्रो कर रहा है। कहीं रिटेल सेक्टर की बात तो नहीं कर रहे? बिल्कुल दीपिका। तो चलिए आपको ये भी बता दें कि साल 2020 तक रिटेल सेक्टर 18-20% तक बढ़ने की उम्मीद है। आइए दिखाते हैं इस खबर को डिटेल में। रियल एस्टेट सेक्टर में बेशक मंदी के बादल छाए हो, लेकिन रिटेल सेक्टर में पिछले काफी सालों से अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है।
CBRE की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 तक कुल रिटेल सेक्टर का ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बढ़कर 18 से 20 फीसदी तक पहुंच जाएगा, जबकि सालाना रिटेल सेक्टर 20 से 25 फीसदी तक बढ़ेगा। 2020 तक देश की रिटेल मार्केट $1.1 trillion तक पहुंच जाएगी। आमदनी में बढ़ोतरी, अर्बनाइजेशन और लोगों के रहने के ढंग के बदलाव से इस सेक्टर को काफी फायदा मिलेगा। हालांकि फिलहाल मेट्रो सिटीज में अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है, लेकिन आने वाले समय में छोटे शहरों में भी अवसर बढ़ेंगे। रेजिडेंशियल सेक्टर में जहां लेट लतीफी के चलते बिल्डर वक्त पर अपना प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर पा रहे, वहीं रिटेल सालाना 8 से 11 फीसदी का रिटर्न दे रहा है। रोजगार और मुनाफे की अपार संभावनाओं को देखते हुए आने वाले समय में अमेरिका और यूरोप से भी निवेश बढ़ सकता है। अगर ग्रोथ की बात करें तो जहां तक नंबर्स को मैंने देखा है, बिटवीन 15-20 इवन टिल 25% सेल्स की ग्रोथ रिटेल सेक्टर में देखी गई है। अगर मैं कहूँ ऑर्गेनाइज्ड रिटेल टीयर टू सिटी के लिए, तो बहुत ही एक नई चीज़ और बढ़िया चीज़ है। लोगों में एस्पिरेशन हमेशा से था, बट एक ऑफरिंग नहीं थी। आज के दिन जब हम लोग या कोई भी डेवलपर मॉल को टीयर टू सिटी में ले जाता है, बनाता है, तो लोगों की एस्पिरेशन को वो पूरा कर रहा है। शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो 2017 भी रिटेल सेक्टर इसलिए खास है क्योंकि 2017 में ज्यादातर फ्लैट्स के पोजीशन मिलने वाले हैं और इसका सीधा फायदा रिटेल सेक्टर को मिलेगा। हाउसिंग फॉर ऑल के तहत रेजिडेंशियल सेक्टर की मांग बढ़ेगी और कॉमर्शियल को फायदा मिलेगा। इसके अलावा निजी इक्विटी निवेशकों की भागीदारी भी बढ़ेगी। रामेश नकवी, जी मीडिया।